वेलकम बैक टू माय पी लोक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या करें। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपना पियानो। हाँ, वैसे पियानो बहुत पहले से है मेरे पास, पर आज ही मेरे को तलब उठी कि मैं आप लोगों को पियानो दिखाऊं और वो चला के दिखाऊं। और मैंने दो टोन्स भी सीखी हैं, एक हैप्पी बर्थडे की और एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जिंगल बेल। और मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ आती है उस पर। तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखा दूँ और फिर और चीज़ों पर करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की यहाँ पे ये पहले चालू, ये थोड़ा चालू होने में टाइम लेता है क्योंकि पुराना हो चुका है। ये मैंने फिफ्थ में लिया था, अब मैं टेंथ में आने वाली हूँ। 5 साल एग्जैक्ट हो चुके हैं, एग्जैक्ट नहीं पर हाँ हो चुके हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आता अरे क्या था। हाँ तो जो भी है, तो बस तो ये थे मेरा पियानो। और अभी मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे आप लोगों को दिखानी रह गई थी। तो हाँ, एक आइडिया है, आज मैं आप लोगों को अपने बचपन की कुछ फोटोज दिखाती हूँ और देखना मैं उसमें कैसी लगती हूँ और अब मैं कितना डिफरेंस आ गया। अभी और ये मैं क्यों दिखाऊँ, अबे साले तभी मजाक था। चलो तो फिर एक सेकंड, ये लगाते हैं ये चाबी। तो ये है पहली चाबी, लगाते हैं यार कौन सी है। इससे भी नोरा अगली चाबी से देखते हैं। इतनी सारी चाबियां हैं, सारी कंफ्यूज कर देती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तब की फोटो जब मैं छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची थी छोटी सी। तो दिखाती हूँ, ये देखो मेरी शुरू से ही शातिर फोटो। इसमें मैं मम्मी को घूर के बोल रही हूँ, है मम्मी दूध लाओ ना। अगली फोटोज तो इसमें मेरे को इस बात पे हंसी आ गई थी कि मम्मी ना वो मम्मी ने मेरे को चुमी थी और मेरे को बहुत जोर से हंसी आई खी। और ये का विषय पता नहीं मेरी एल्बमों से एल्बमों में कहाँ से आ गया, चूहा कहीं का कहीं भी घुस जाता है। और अब चलते हैं आगे। हाँ, ये फोटो जो है, हाँ ये है कोई स्टूडियो की फोटो है और ये फिर से यहाँ घुस गया। तो गाइस इसमें और भी बहुत सारी फोटोज हैं। हाँ, और ये फोटो मेरे को याद है कब की है, मुझे नहीं याद था, मेरे को याद ही नहीं मैं क्या थी। और ये फोटो है मेरी बचपन की एक, और इसमें मैं शायद अभी अभी ना आऊंगी। एक सेकेंड, वो कौन है, इस बंदी की शक्ल कहीं से मिलती मिलती लगती है ना। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। तो अब आती है ये, मैं जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी शायद मैं 4-5 साल की होंगी पता नहीं। और ये कौन है, कौन है ये लोग, इतना मोटा पेट लेके आया हुआ है। और अगली फोटोज, ये फिर से आ गया। इसमें यार ये फोटो बिल्कुल एलियन से मिलती जुलती लग रही है। अब मैं फोटो निकाल रही हूँ। तो ये फोटो है, ये है मेरी नानी की, लिटरली मेरी नानी अब तक किसी ने नहीं देखी, बट जब हम जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी दिखती हैं और कैसी है और कितनी एग्रेसिव है, कितनी क्यूट टाइप की हैं। तो ये है मेरी नानी की फोटो।
कितने मतलब देखो कितनी ज्यादा जवान लग रही है। तो थोड़ी दिख नहीं रही। हाँ राणा की फोटो दिखाती हूँ। ये जो बैठे हुए ना, हाँ ये जो बैठे हुए ये वाली, ये मेरे नाना की जवानी की फोटो फोटो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मम्मी की और पापा की बचपन की फोटो। हाँ अब वेट करो, अच्छा वेट वेट, अभी मैं आपको अपने मम्मी पापा की फोटो नहीं दिखाऊंगी अभी, उसके लिए आपको एंडिंग तक रोना पड़ेगा। ये शायद, हाँ तो ये तब की फोटो है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और ये हाँ तब की फोटो है, तब मम्मी अम्बाला में रहती थी मम्मी पापा। और फिर एक और आती है मेरी छोटी छोटी सी फोटो, बताओ अभी कितने में कितनी मिल रही हूँ, मेरे को लगता है मेरी आंखें बहुत सेम लग रही हैं। हाँ ये मेरे एक मामा की फोटो बचपन की है। आओ अब मेरी क्लास फर्स्ट की फोटो आ गई, ये वाली देखो, ये वाली छोटी सी हूँ मैं। अब अगली फोटो दिखाती हूँ, जब हम लोग शायद सोमनाथ टेम्पल है इसका नाम, मेरे को पक्का नहीं है, मैं दादा दादी के साथ गई थी, पापा थे, मम्मी थी, मैं थी, कविश थे, कविश था। तो ये देखो ये है वो फोटो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है, ये वो पापा है, और ये मेरे दादा दादी हैं, और ये छोटू सा कविश। अच्छा तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। अब ये है अगली फोटो जिसमें कवेश सबसे फर्स्ट क्लास में है अपनी। तो ये देखो ये वाला, ये है ना, हाँ मुंह पे हाथ करके खड़ा हुआ मैं बैठा हुआ, ये है कवेश, और ये है उसकी मैम। तो सरप्राइज मेरे को मिल गई है मम्मी की फोटो। वैसे तो ये तो अभी जवानी की है, मतलब यंग एज की, और इनकी भी है। ये मेरे दादा नहीं नाना नानी की फोटो, देखी देखी देखी, हाँ दिख गई होगी। अगली की छोटी सी क्यूट सी बचपन की फोटो, ये देखो ये देखी। तो ये है पापा की फोटो, देखी तब पापा विलेज से बिलोंग करते हैं इसलिए पीछे आपको विलेज का बैकग्राउंड दिख रहा है। अभी कुछ तो और मस्त फोटोज मिली है, एक है वही मेरे कल वाले भाई की, और एक है मेरे बचपन की। चाहे एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये एक फोटो है जब मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि पापा बस अभी अभी आए थे और हम लोग खेल रहे थे, तो अभी मम्मी ने फोटो खींचना स्टार्ट कर दिया था। देख सकते हो हम दोनों कैसे लग रहे हैं, कविश के हाथ देखो लिटरली कितने मोटे मोटे हैं। अब अगली फोटो मेरी उस एक तो भाई की जो आगरा के पागलखाने से आया है, और अगली मेरे इस वाले भाई की कविश की। तो आप देख सकते हो मैं छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी यहाँ पे हूँ, और मेरे से भी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये, और इससे भी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये, मेरे भाई में और इसमें दोनों में कुछ महीनों का गैप है, और ये है मेरे पापा। तो आप देख सकते हो अभी भी कितने गुस्से से मेरे को देख रहा है, पता नहीं किसको देख रहा है, बहुत बहुत बहुत, दोनों ही बहुत क्यूट थे। तो फिर अब मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी आपको ये एल्बम स्पेशल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और क्या कर लोगे, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, और हाँ और कोई अजीब सी टाइप की, जैसे आज मैंने एल्बम की कुछ अजीब फोटोज दिखाई और नानी की और वगैरह वगैरह की दिखाई, और अगर आपको कोई और फोटो कुछ भी कुछ चाहिए हो, कुछ बनवाना चाहते हो तो नीचे मेरे को कमेंट करो 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 वैसे कर। और कई बार अगर आपको कमेंट सेक्शन ना दिखे तो दूसरी वीडियो पर कमेंट कर देना, क्योंकि क्या होता है कि जो अब यूट्यूब वालों को लगता है कि मैं बच्ची हूँ, ऑफकोर्स मैं हूँ भी, तो
तो मैं माइनर हूँ, 18 से कम हूँ, तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि मेरे को कमेंट सेक्शन ऑन करने नहीं देते कई बार, और वो खुद ही ऑफ कर देते हैं जब मैं ऑन कर भी दूँ। तो अगर आपको ऑफ दिखे तो कोई और उस पर जाके और वीडियो पे जाके कमेंट कर देना बस। तो बाय बाय।